इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने पेटीएम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी हम पेटीएम का ऐप ओपन करते हैं या उसकी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो हमें कोई भी डायरेक्ट डिलीट करने का जो ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, पेटीएम का अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन हमको कहीं नहीं मिलता है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो करने के लिए थोड़ा अल्टरनेटिव रास्ता आपको जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप तो लॉगिन कर लीजिए अपने पेटीएम के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे में आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करिए। तो प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाने के बाद हमको नीचे आना है और नीचे स्क्रॉल करने पर हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का, तो इस पर क्लिक करिए। हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले जो हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजॉल्व एंड इशू, तो इसमें क्लिक करिए। रिजॉल्व एंड इशू में क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो यहाँ में से हमको क्लिक करना है माई अकाउंट पे। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन मोबाइल नंबर, चेंज मोबाइल नंबर, यानी कि मैं जो अपना मोबाइल है वो खो चुका हूँ। भले आपने नहीं खोया लेकिन ये रीज़न आपको देना पड़ेगा पेटीएम को, क्योंकि इससे आपका अकाउंट आसानी से बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसमें क्लिक करिए और डिलीट करने से पहले मैं एक पहले बात बता देना चाह रहा हूँ कि अगर जो अकाउंट आप डिलीट कर देते हैं एक बार, तो उससे आप दोबारा कभी भी पेटीएम का अकाउंट नहीं बना सकते हैं। यानी जिस नंबर से आपने पेटीएम का अकाउंट बनाया और उसको डिलीट कर दिया, फिर दोबारा से आप उसे पेटीएम का अकाउंट बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। तो ये पहले आप सोच समझ लें, उसके बाद फिर क्लिक करिए आगे। और अगर आपको अपना पेटीएम का पासवर्ड याद नहीं है तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे आप पेटीएम का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, वो मेरे चैनल के पेटीएम प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमको सेलेक्ट करना है इशू, सेलेक्ट योर इशू, तो यहाँ पर लिखिए कि आई नीड टू ब्लॉक माई ओल्ड अकाउंट, तो इसमें क्लिक करिए, क्योंकि हमको अपना अकाउंट बंद करवाना है, डिलीट करना है। तो यहाँ से हमको अपना जो है मैसेज करने के लिए बोलता है पेटीएम कि आपका क्या जो प्रॉब्लम है और किस कारण से आप वो अकाउंट बंद कराना चाहते हैं। तो इन केस यू विश टू ब्लॉक योर पेटीएम अकाउंट काइंडली मैसेज अस बिलो मेंशन डिटेल्स टू हेल्प यू विद द क्वेरी, तो हम मैसेज अस में क्लिक करेंगे। मैसेज अस में क्लिक करने के बाद हमको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा कि आपका जो फ़ोन है वो खो चुका है या आपका जो भी रीज़न है पेटीएम अकाउंट बंद करने का, तो वो यहाँ पर आप लिख दें। हो सकता है तो आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं। और आप उसके बाद आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना डालना होगा ताकि उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका अकाउंट बंद हो चुका है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दें, उसके बाद क्लिक करिए सबमिट में। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको सक्सेस यहाँ पर आता है कि थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, वी विल गेट बैक टू एज सून एज पॉसिबल, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुका है और आपको 6-7 दिन लगेंगे आपके अकाउंट को डिलीट होने में। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके। तो इस तरह से आपकी रिक्वेस्ट पेटीएम में चली जाएगी और उसके बाद आपका जो अकाउंट है डिलीट हो जाएगा और आपने जो ईमेल आईडी दिया था उसमें मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप पेटीएम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की होगी, आपके समझ में आई होगी कि पेटीएम का अकाउंट डिलीट कैसे किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक दबाइए, फ्री है लाइक दबाना, और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसे ही ईजी टेक वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।